हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं टेक एंड ट्रेवल वी में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है और अगर आपका बिजली का बिल कम नहीं हो रहा है, तो इसके कुछ कारण के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा कि आपका बिजली का बिल कम क्यों नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में भी बताऊंगा, जिनका आप यूज़ करके अपना बिजली का बिल काफ़ी कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है और आपका बिजली का बिल पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसके कुछ कारण के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। सोलर सिस्टम तो आपने लगवा लिया, चाहे मोनो हो चाहे पॉली हो, लेकिन फ्रेंड्स उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप जो अपने घर में अप्लायंसेज यूज़ करते हैं वह नॉर्मल अप्लायंसेज यूज़ करते हैं। जैसा कि अगर आप नॉर्मल फ़ैन यूज़ करते हैं जो कि 80 वाट पावर कंज्यूम करता है, नॉर्मल फ़ैन आप ना यूज़ करके आप BLDC फ़ैन का आप यूज़ करिए, जो कि BLDC फ़ैन है, लगभग 28 वाट के आसपास यह पावर कंज्यूम करता है। यानी कि आप एक जो नॉर्मल फ़ैन चलाएंगे उसी के इक्वल में आप 3 BLDC फ़ैन आप इजीली रन कर सकते हैं। तो इससे आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा कम होगा। और साथ ही साथ अगर आप रेफ्रिजरेटर भी यूज़ करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो सोलर रेफ्रिजरेटर है, इसका मैं लिंक आई बटन में दे दूँगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रेफ्रिजरेटर है। यह लगभग सोलर से लगभग 30 से 40 वाट के आसपास पावर को कंज्यूम करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रेफ्रिजरेटर है। अगर आपने अपने घर में ये दो चेंजेस कर लिए और साथ में LED वगैरह तो आप लगाते ही होंगे, तो आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। BLDC फ़ैन अभी समर आएगी तो मैं अपने घर के सारे फ़ैन BLDC में कन्वर्ट करूँगा, और फ्रिज मैंने चेंज किया था तो मेरा बिजली का बिल लगभग हाफ हो गया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे ही कुछ अप्लायंसेस के बारे में बताऊँगा जो कि अमेजोन पर ईजिली अवेलेबल हैं। तो देखते हैं ये सारे अप्लायंसेस। तो इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मेरे द्वारा जो रिकमेंड किया हुआ फ़ैन है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, जो कि BLDC फ़ैन है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जितने भी हम सारे अपरेटर्स हम देखेंगे, अगर आप सारे रिप्लेस कर लेंगे अपने नॉर्मल फ्रिज या नॉर्मल फ़ैन से, तो आपका बिजली का बिल लगभग हाफ हो जाएगा, हाफ से भी कम हो जाएगा। यह है रेफ्रिजरेटर। इस रेफ्रिजरेटर को मैंने अभी लास्ट ईयर ही परचेज़ किया है, 18 अक्टूबर को मैंने इस रेफ्रिजरेटर को परचेज़ किया है, और इस पर मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, उनका आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। रेफ्रिजरेटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और लगभग ये 40 वाट के आसपास पावर को कंज्यूम करेगा, लगभग ना के बराबर, तो इससे आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और यह सोलर पर ईजिली रन कर जाता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और यह आपका 5-स्टार रेफ्रिजरेटर है और एयरली पावर कंजप्शन इसका 104 यूनिट है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका एयरली पावर कंजप्शन कितना कम है। और यहाँ पर आपको ग्रॉस वॉल्यूम मिल रहा है 198 लीटर का, स्टोरेज वॉल्यूम आपको मिल रहा है 188 लीटर। तो रेफ्रिजरेटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप इसको परचेस कर सकते हैं। दो कलर में अवेलेबल है, यह देखिए फ्रेंड्स, ये ब्राउन कलर का है और एक ब्लू कलर में है, तो आप ये परचेस कर सकते हैं, 5-स्टार रेटिंग। और अब हम फ्रेंड्स देखते हैं BLDC फ़ैन के बारे में, और यह BLDC फ़ैन बहुत ही कम पावर कंजम्पशन करते हैं, लगभग आपका 26 टू 28 वाट के आसपास पावर कंजम्पशन करते हैं। तो जो बेस्ट BLDC फ़ैन है अमेजोन पर, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैवेल्स का BLDC फ़ैन, इसकी रेटिंग भी अच्छी है, 4-स्टार रेटेड है BLDC फ़ैन है, और यहाँ पर 1200 mm के आपको ब्लेड मिल रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल फ़ैन है उसी की तरह यह भी दिखने में होगा, बट इसकी जो मोटर है वो BLDC मोटर है, इसमें 3 ब्लेड्स हैं, सीलिंग फ़ैन है, यह 3000 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। और इसका हम देखते हैं पावर कंजम्पशन कितना है, यह 26 वाट के आसपास पावर कंजम्पशन है इसका, तो कि जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और हैवेल्स कंपनी, यह एक जानी मानी कंपनी, काफ़ी टाइम से यह कंपनी है। और सेकंड कंपनी हम देखते हैं जुपिटर का, यह 5-स्टार रेटेड फ़ैन है, BLDC फ़ैन है, 1200 mm के इसके भी ब्लेड हैं, BLDC मोटर इसमें भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ओनली 25 वाट की है पावर कंज्यूम करेगा, तो यह फ़ैन भी काफ़ी अच्छा है। जुपिटर कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है। और नेक्स्ट जो BLDC फ़ैन में सबसे टॉप पर जो कंपनी है वह है एटमबर्ग। यह पहले गोरिल्ला नाम से थी कंपनी, इसका नाम अब चेंज हो गया है जो कि एटमबर्ग हो गया है। इसके फ़ैन भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होते हैं,
और देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात आप इसकी रेटिंग देख लीजिए, यह 4.3 आउट ऑफ 5 रेटिंग है इसकी और काफ़ी लोगों ने यह रेटिंग दी है इसको। और यह BLDC फैन कहलाते हैं जो कि रिमोट से चलते हैं, इनकी मोटर BLDC होती है और यहाँ पर इसमें LED लाइट्स वगैरह जलती हैं, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फंक्शनिंग है इस फैन में, तो आप यह फ़ैन भी परचेस कर सकते हैं। और लास्ट में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बेस्ट प्राइस में सबसे अच्छा फ़ैन जो मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ, वह फ़ैन है एटमबर्ग का ही। यह फ़ैन है एटमबर्ग का, ठीक है। इसमें भी 1200 mm के ब्लेड आपको मिल रहे हैं और यहाँ पर BLDC मोटर है, थ्री ब्लेड्स हैं इसमें। इसकी कॉस्ट है 2850 rupees। तो यह भी हाईली पावर एफिशिएंट फ़ैन है और यह डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल है, जैसा कि यह वाइट है, ये मैट ब्राउन है, लिवोरी है और यह है ब्लैक कलर। तो ये 4 कलर में अवेलेबल है और इसके साथ में आपको रिमोट भी मिल रहा है और यह सारे इसके फीचर्स हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं कि यह कितने वाटेज कंज्यूम करता है। यह 28 वाट कंज्यूम करता है हाई स्पीड पर, यानी काफ़ी कम वाटेज ये कंज्यूम कर रहा है। और इसकी रेटिंग आप देख लीजिए, यह 4.3 आउट ऑफ 5 इसकी रेटिंग है और लगभग 4367 लोगों ने इसकी रेटिंग की है, तो ये बहुत ही अच्छा फ़ैन है। मैं इसी को रिकमेंड करता हूँ आपको परचेस करने के लिए। इसके बीच में एक LED लगी होती है और बीच में ही रिमोट का सेंसर होता है। तो फ्रेंड्स, फैन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फ्रेंड्स, यदि मेरे द्वारा दी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।